मुझे दलजीत से मिलना है। हाँ दलजीत, दलजीत बाजवा। ये कोई टाइम है मिलने का? कल आइएगा आप। नहीं एक्चुअली सर, कल तक का टाइम नहीं है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बस 5 मिनट की बात है। मैं समझता हूँ, आप थे ना वेयर हाउस में, मैंने देखा था आपको, बबली की हेल्प की थी आपने। जी सर। आपको जो कुछ बोलना है बताइए, सब कुछ यहाँ पर नोट करके रख लूंगा मैं। लेकिन आपको दलजीत से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता मैं, इतनी रात को अलाउड नहीं है। और वैसे भी वो दलजीत एक नंबर का, वो गलती से नहीं पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा है उसको, उसके खिलाफ सबूत है, गवाह है। पर आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? सर मुझे उससे पूछना है कि उसने ये सब क्यों किया था। और आपको लगता है कि वो आपको बता देगा? अरे वो बहुत मोटी चमड़ी है, मैं ट्राई कर चुका हूँ, वो दिखता जितना शरीफ है ना, दिल का उतना ही काला है वो। एनीवेज मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, 5 मिनट के लिए मिलना। अरे सर ने मना कर दिया ना। देखिए आप लोगों की बात ही खत्म नहीं हो रही है, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। कभी कोई मतलब शायद पार्वती मिलके गई और? पार्वती नहीं, नीति और नीति, नीति मिलके गई है दलजीत से। हाँ नीति आई थी, परी आई थी और विक्रम आया हुआ था, वो दलजीत के खिलाफ केस रजिस्टर करवाने के लिए कि उसने कैसे फेक MMS बनाकर बबली और उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया, हरास किया। फेक MMS? हाँ, और उसने जबरदस्ती शादी के लिए जो बबली को ब्लैकमेल किया था वो फेक MMS था। हाँ, दलजीत ने वीडियो का कुछ पार्ट एडिट करके वायरल कर दिया, विक्रम ने मुझे पूरा वीडियो दिखाया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दलजीत से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। प्लीज आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं दलजीत से मिलने की किसी भी सूरत पर आपको परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है सर, मैं दलजीत से मिलने कल आऊंगा, बस आप मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए कि नीति सच में आई थी दलजीत से मिलने के लिए। हाँ नीति आई थी। आप श्योर है कि नीति जुनेजा ही आई थी? उसका रजिस्टर में नाम भी लिखा हुआ है। आप दिखाओ, नीति जुनेजा। ये देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आज तुमने दलजीत वीरजी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चले जाओगे। नीति उतर, तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं पुत्र मुझे, पता तेरे पीछे कर भी क्या? जी मेरा ना दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, प्लीज और खराब मत कीजिए, जाके सो जाइए ना, आपको नींद नहीं आ रही क्या? पुत्र नींद कैसे आएगी जब इस घर में? खैर छोड़, तो पहले मैंने ये बता कि तू पुलिस स्टेशन गई थी ना दलजीत की बेल कराने, क्या हुआ बोलना पुत्र, कहीं दलजीत ने तेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया? तो चुप क्यों है, बताना। मम्मी जी दलजीत की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। ताई जी, अभी वो मूर्ति बनाने वाले का फोन आया था, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो आप संजू को बोल देंगे कि कल पापा को घर ले आए, बाकी सारे अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगी। ठीक है। क्या हुआ आपको, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? जिस माँ का बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो वो माँ खुश भी तो नहीं रह सकती, लेकिन फिर ऐसे लगता है जैसे उसकी सही जगह जेल ही है। इतने सारे गुनाह जो किए उसने, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है, पर बबली की ओर देखती हूँ ना तो लगता है सही हुआ वो जेल गया, वरना एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ताई जी देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, बट अब जो है सो है, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एनीवे आप प्लीज याद से संजू को बोल देना कि कल टाइम से पापा को घर ले आए और अपने साथ विकी को भी ले जाए। ठीक है। ओह नो, मुझे लगता है बारिश में भीगने की वजह से मुझे सर्दी लग गई है, इससे पहले कि तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए मैं काढ़ा बना के पी लेती हूँ। राशिफ को तब तक सर्दी लग भी गई होगी। उतर, ये हो या तनु? ताई जी थोड़ा दूर हो जाइए, आप मुझे ना जुकाम हो गया, बारिश में भीग गया था उसके। अरे पुत्र ऐसे की कर रहा है, चल अंदर लेट। ताई जी मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, मेरे रूम में मेडिसिन नहीं है। हाँ तुझे कुछ बोलूंगी ना तो तू मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि तू एक बार में बात मानती ही नहीं है। अरे वो छटाक भर की लड़की, वो बबली, इसकी बात अनसुनी करके चली गई। पुत्र बेबी जो कह रही है ना सही कह रही है। पुत्र तू खुद देख जो इस घर में हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है और तेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है।
धीरे धीरे बबली प्रजाई जी सब ना अपना सर उठाने लगे हैं और पुत्र एक बार झुके हुए सर उठ गए ना तो फिर सीधा बगावत होती है। सर उठेंगे तो काट भी दिए जाएंगे मम्मी जी। और आप दोनों ये मत सोच लेना कि ताई जी और बबली मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ना तो उनमें इतनी हिम्मत है और ना ही हौसला, इसलिए आई डोंट केयर अबाउट देम। और आप दोनों इन लोगों को इतना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आसमान में उड़ रहे हैं ना ये अभी, बहुत जल्दी इन्हें जमीन पे पटक दूंगी मैं। नीति पुत्र मैं अच्छे से जानती हूँ कि बबली और प्रजाई जी की ना इतनी हिम्मत नहीं आगी है या किसी की भी कि तैनू इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी पुत्र एक बार तेरी पकड़ ढीली पड़ गई ना तो फिर धीरे धीरे सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरी मान तो ये सब होने से पहले ना वापस सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले। पार्वती देख, पापा के दर्शन के लिए सुखद कोई भी नहीं है, जाके पापा से अपने मन की बात कह दे। तेरे मन में जो भी उलझने ना इनको सौंप दे, तेरी सारी उलझने सुलझा देंगे। उलझन तो सिर्फ एक ही है दाइमा, क्या मानूं मैं उन्हें, मेरे राजीव या सन्ना। बेटा मुझे नहीं सुनना, जो भी कहना है इनसे जाके कह, ये दुख हरता है, सबके दुख हरते हैं, तेरे भी दुखों का हल ढूंढेंगे। वैसे तो इनको सब कुछ पता है, तेरे मेरे सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी तेरे मन में कुछ भी ऐसी बात है या अगर तू कुछ इनसे मांगना चाहती है ना, जा मांग ले इनसे। हे गणपति बप्पा, क्या मांगू मैं आपसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो राय पे खड़ी हूँ मैं कि अगर अपने पति और अपने प्यार की तरफ जाऊं तो अपने मकसद से दूर हो जाऊंगी, और अगर अपने मकसद की तरफ जाऊं तो अपने राजीव से, अपने परिवार से दूर हो जाऊंगी। परी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लोग तुम्हारी दोस्ती की मिसालें देते थे, व्हाटएवर, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि विसर्जन वाले दिन मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारा तो दिमाग ही घूम गया है ना। तुमने खुद अपने मुंह से मुझे ही पूछ लिया कि मुझे कैसे पता कि तुमने परी को मारा। आई होप तुम इसका मतलब जानती हो। इसका मतलब ये है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने परी को मारा है। अब मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था नीति, कॉमन सेंस यूज किया था अपना, पर तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हारे इस एटीट्यूड ने सारे राज खोल दिए। वैसे एक बात याद रखना, परी बेवकूफ नहीं थी, वो दिल की अच्छी थी, भोली थी, इसलिए तुम्हारी मक्कारी नहीं समझ पाई। उसने अपने साथ गलत होने दिया, लेकिन मैं पार्वती सिंघानिया हूं। पार्वती इसका मतलब तो पता होगा ना, माँ दुर्गा की शक्ति का रूप हूं मैं ना अपने साथ कुछ गलत बर्दाश्त कर सकती और ना ही दूसरों के साथ कुछ गलत होने दूंगी। और अगर किसी ने उनके साथ गलत कर भी दिया तो उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अब अगर इस युग में महिषासुर का रूप बदल गया है तो माँ काली का भी रूप बदल गया है। क्या रहा है मेरे साथ, ना मुझे नींद आ रही है ना चैन पड़ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं सिंघानिया से बात कर लेता हूँ। हाँ, उनकी आवाज सुनूंगा ना तो चैन की नींद आ जाएगी। वैसे भी उल्लू की तरह जगने से बेटर है कि उनकी आवाज सुन लूं और आराम से सो जाऊं। गुड आइडिया। संजू ये क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं सिंघानिया को इस टाइम फोन कर रहा है, वो क्या सोचेंगी?
और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उन्हें कॉल क्यों किया तो क्या बोलूंगा कि मैं उन्हें मिस कर रहा था। मिस कर रहा हूं मैं उन्हें? क्या सच में मैं पार्वती को मिस कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं।